ये वही देश है जहाँ पे प्रौढ़ शिक्षा की बात होती थी। आज ये देश इस मुकाम पे पहुँच गया है कि बच्चों से ये सवाल किया जा रहा है कि वो पढ़ते क्यों हैं, बच्चों से ये सवाल किया जा रहा है कि वो लड़ते क्यों हैं इनजस्टिस के खिलाफ। आई थिंक वी शुड रियलाइज दैट दीज प्रोटेस्टर्स आर द ब्यूटिफुल फ्लावर्स ऑफ इंडिया। बड़े बड़े लोग तो पार्लियामेंट में बैठे, 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 और विधानसभा अलग से, अलग से, और विधानसभा अलग से, अलग से। हम बन गरीबन की पंचायत जो लम्बा, हम बन गरीबन की पंचायत जो लम्बा, हम बन गरीबन के प्रोटेस्ट 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 जो लम्बा। पुलिस आए डंडा मारे झट से, झट से, पुलिस आए डंडा मारे झट से, झट से, तो लग जाए ढाक से, ढाक से। ये इनका जो प्रोटेस्ट हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है। ये CAA और NRC, CAA का इस टाइम लाने का क्या मतलब है? ये मूवमेंट को BJP शुरू से हिंदू मुसलमान का रंग देना चाहती है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ये मूवमेंट अक्रॉस सेक्शंस है और सब BJP के खिलाफ आज सड़कों पे आ गए हैं। वी आर नॉट फाइटिंग फॉर हिंदू मुस्लिम्स, वी आर फाइटिंग टुगेदर टू सेव आर कॉन्स्टिट्यूशन, टू सेव आर सेक्युलर आइडिया ऑफ इंडिया एंड डेमोक्रेटिक आइडिया ऑफ इंडिया। इट इज द मूवमेंट लेड बाय स्टार्टेड बाय आवर वुमेन, स्पेशली द जामिया गर्ल्स एंड AMU गर्ल्स हु हैव कम आउट और इतनी ठंड में और पुलिस को और अपने हॉस्टल की अपनी फैमिली की इतनी तमाम बाउंडेशन को तोड़ के ये लड़कियाँ आई और इन्होंने इतनी हिम्मत का काम करा। उनकी वजह से आज आपका जंतर मंतर दोबारा से जिंदा हुआ, दिल्ली की सड़कें दोबारा से आबाद हुई। जो सालों पुरानी दिल्ली की सड़कें जो सालों साल से मैंने कहा थी 47 के बाद से आप जाके कहीं जो है पुरानी दिल्ली की निज़ामुद्दीन की ओखला की सड़कें दोबारा से जिंदा करी हैं। तो जब ये मूवमेंट चलाई हुई लड़कियों ने, इसको लीड भी लड़कियाँ करेंगी। 2014 से मतलब बिरयानी मुस्लिम है या हिंदू है उसी पर डिस्कशन चल रही है, ठीक है, और कुछ नहीं है। गुमराह करने के मतलब तरीके हैं, ठीक है। अब ले आए हैं, मतलब वो सेम चीज़ वो लोग कह रहे थे कि घर घर, अब ये लोग बात कर रहे हैं कि आप हिंदू है, आप मुस्लिम है। भाई कौन डिसाइड कर रही है? आप डिसाइड कर रहे हो? आप मेरे कपड़े देख के बता सकते हो मैं हिंदू मुस्लिम हूँ? मेरा नाम भारतीय है और मेरा नाम मज़हब जो है इंसानियत है। ऐसा देश तो है नहीं कि जहाँ पे एक पर्टिकुलर धर्म के लिए बना हुआ है, एक सेकुलर देश है, हर तरीके के धर्मों के लिए, हर तरीके की प्रजाति के लिए। इनका मकसद ही है डिवाइड एंड रूल। जो अंग्रेज गोरे कर रहे थे वही ये काम कर रहे हैं। जब बेरोजगारी फैलेगी तो 80% हिंदू भी बेरोजगार होंगे। यहाँ पर हिंदुओं के लिए कोई ये कंपनियां खोल कर नहीं देने वाले, हिंदुओं को ये अपना वोट के लिए यूज कर रहे हैं। किस तरीके की बेकार की ये बातें करते हैं, एक होम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर करे, बिल्कुल शोभा नहीं देता। ये मेरे ख्याल पहले प्राइम मिनिस्टर जो इस तरीके की भाषा बोल रहे हैं। अंग्रेजों से विरासत में मिली है डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी। जब तक हिंदू मुसलमान ईसाई आपस में लड़ते रहेंगे, सिख लड़ते रहेंगे, तब तक ये कामयाब होते रहेंगे। मैं इस सरकार का तहे दिल से विरोध करता हूँ। मैं BJP और RSS जैसी फांसीवादी ताकतों का विरोध करता हूँ। मुझे लगता है ये जो देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि ये NRC के खिलाफ है और ये CAB के खिलाफ है। मुझे लगता है ये प्रदर्शन बहुत ऑर्गेनिक है। ये दीज प्रोटेस्ट आर अगेंस्ट द टोटल मिसमैनेजमेंट ऑफ दिस कंट्री बाय BJP एंड RSS कम्बाइंड। जब आज़ादी आई तो ये लोग भगत सिंह, सराफा और ये लोग ही लेके आए थे। आज भी लगता है कि
इनमें जो जोश है कुछ ना कुछ नया लाएगा, या तो मोदी जी सुधर जाएंगे या ये लोग फिर उनको सुधार देंगे। आई थिंक टू क्रिएट लाइक दिस होल हिंदू मुस्लिम थिंग, ये मतलब इट्स अ वेरी ओल्ड ट्रिक और वो दोबारा आप खेल रहे हैं, और जो लोग बेवकूफ अभी दोबारा बन रहे हैं वो क्या ही कर सकते हैं, कोशिश कर रहे हैं लोग बताने की। I think each one of us should come forward, be it Hindu, be it Muslim, be it student, whoever has made use of this country's resources should come forward and support. And this is the traits of the current BJP government is like what Hitler was doing in the 1930s. We should stop this before it comes to our doors and where there will be no one to speak for us.